Guys, do you know the female mosquito is not considered as a parasite because it needs blood for reproduction and not for nutrition. It does not bite human for its meal, but it bites humans so that it can nourish developing fertile eggs. Do you want to know more interesting facts related to parasitism? So stay with me till the end of the video, and I will tell you the more interesting facts related to parasitism. So stay. So guys, here I will start from the definition of parasitism. अगर बेसिकली हम डेफिनेशन की बात करें पैरासिटिज्म की तो पैरासिटिज्म के डेफिनेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा होता है या फिर न्यूट्रिशन ले रहा होता है हम कह सकते हैं और उससे एक तरह से बेनिफिट ले रहा होता है उसके ईवज़ में उसे हार्म कॉज कर रहा होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं पैरासिटिज्म तो हम कह सकते हैं कि पैरासिटिज्म एक रिलेशनशिप होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपना न्यूट न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं अपना बेनिफिट ले रहे होते हैं और सामने वाले को हार्म कॉज कर रहे होते हैं इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो होता है लाइस ऑन हेड यानी कि जो जूँ होती है जो हमारे ह्यूमन हेड पर देखने को मिलती है वो सेंग्वे होती है सैंग्वेवरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ब्लड सक करते हैं तो यहाँ पे जूँ कैसे होते हैं लाइस कैसे है, होती है सेंग्वे होती हैं तो ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं ब्लड के फॉर्म में और हमें हार्म कॉज कर रही होती है इसलिए किसमें आएंगी पैरासाइट्स में उसके अलावा पैरासाइट्स कभी कभी क्या करते हैं कुछ स्पेशल अडेप्टेशन इवॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर जैसे कि उनको किसी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है अगर वो एंडो पैरासाइट है तो यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है तो फिर उसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट के क्लाइमेट चेंज से उसका कोई लेना देना नहीं होता है इस वजह से उन्हें सेंस ऑर्गन्स की ज़्यादा जरूरत नहीं होती दूसरी चीज़ उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि वो न्यूट्रिशन दूसरे से ले रहे होते हैं इस वजह से उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हाँ उन्हें सकर्स या फिर एडहेसिव ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो ह्यूमन बॉडी या फिर किसी अदर ऑर्गैनिज्म की बॉडी से एडहेस किए रहते हैं ठीक है तो सकर्स के थ्रू उनकी वॉल से जैसे कि इंटेस्टाइन के वॉल से चिपके रहेंगे या फिर लीवर से या फिर आरबीसी से किसी ना किसी फॉर्म में वो अटैच्ड रहने के लिए सकर्स का यूज़ करेंगे अदर देन दैट उनके पास हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है यानी कि वो रिप्रोडक्शन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर कुछ उनपे से डिग्रेड कर भी जाए इंटेस्टाइन के जूसेस से या फिर एंजाइम से तो भी उनका नंबर इतनी प्रॉपर मात्रा में रहे जिसकी वजह से वो आप सर्वाइव कर सकें और अपना जनरेशन को मेनटेन रख सकें द नेक्स्ट वन इज़ जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी पैरासाइट की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो मोस्ट कॉमनली हमें दो आ, होस्ट देखने को मिलते हैं एक तो जो प्राइमरी होस्ट होता है जैसे हम मेन होस्ट कहते हैं वो होता है और दूसरा वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी होस्ट या फिर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट का सहारा लेते हैं जहाँ पर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ठीक है तो वो ऐसा इसलिए कर सकते करते हैं क्योंकि वो पैरासिटाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए वो दो आ, होस्ट स्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो हमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल में ह्यूमन uh, के लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं एक तो हो गया स्नेल और दूसरा फिश ठीक है तो जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन का लिवर हो जाता है और जो उसका सेकेंडरी है इंटरमीडिएट होस्ट है वो दो होते हैं स्नेल एंड फिश उसके अलावा अगर हम मलेरियल पैरासाइट की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड करता है और फीमेल एंड ऑफ लीज़ एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है तो यहाँ पे जो प्रोटोजोअन जो पैरासाइट होता है उसको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है फ़ीमेल एंड ऑफ लीज़ जो होता है जिसकी वजह से वो दूसरे दूसरे होस्ट में स्प्रेड हो सके ठीक है तो वो अपनी लाइफ साइकिल दूसरे होस्ट में कम्प्लीट करता है उसके अलावा अगर हम पैरासाइट्स के फीचर्स देखें तो मोस्टली ये हार्म कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को जिसकी वजह से जो होस्ट होता है उनका या तो सर्वाइवल कम हो जाएगा ग्रोथ कम हो जाएगी या उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल कम होना स्टार्ट हो जाएगी कभी कभी तो पैरासाइट होस्ट को इतना फिजिकली वीक बना देते हैं इतना वर्नबल बना देते हैं जिसकी वजह से अगर प्रोडेटर सामने से आ रहा होता है तो वो फाइट नहीं कर पाते और अपने आप को सेव नहीं रख पाते और उनकी हो जाते हैं या फिर वो खुद शिकार बन जाते हैं नेक्स्ट वन इज़ अगर हम पैरासाइट पैरासिटिज्म के टाइप्स की बात करें पैरासाइट्स के तो दो टाइप के होते हैं एक्टो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट्स जैसे कि यहाँ पे नेम से ही क्लियर हो रहा है एक्टो लगा यानी कि ये बाहर रहने वाले पैरासाइट्स होंगे जो ह्यूमन बॉडी या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर अटैच्ड होंगे और न्यूट्रिशन ले रहे होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे एक्टो पैरासाइट्स कहेंगे तो जो पैरासाइट्स होते हैं जो एक्सटर्नल सर्फिस पर होस्ट के एक्सटर्नल सर्फिस पर ग्रो करते हैं सर्वाइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एक्टो एक्टोपैरासाइट इसका मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी मैंने बात किया लाइस ऑन हेड ठीक है एंड टिक्स ऑन डॉग्स डॉग्स में टिक्स बहुत कॉमन होते हैं जो कि एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस पर देखने को मिलते हैं और वहाँ से पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं अपना बेनिफिट ले रहे होते हैं एवज में हार्म कॉज कर रहे होते हैं नेक्स्ट वन इज एंडो पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं एज द नेम इंडिकेट्स एंडो लगा यहाँ पे दैट मीन्स कि वो अंदर होगा बॉडी के चाहे जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हो लेकिन वो उसके अंदर होगा जैसे कि यहाँ पे लिवर है किडनी है लंग्स है आर है इनकी वॉल से वो अटैच्ड रहेगा इसके अंदर रहेगा और होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा होगा जैसा कि आप यहां पे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे ये है टीनिया सोलियम का जिसे हम फ्लैट भी कहते हैं या फिर फीता क्रिमी बोल सकते आप तो ये क्या करते हैं ह्यूमन की इंटेस्टाइन से अटैच रहते हैं थ्रू सकर्स और वहां से पूरा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रिशन तो इंटेस्टाइन से ले रहे हैं ठीक है लेकिन इनके पास अच्छी खासी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है अपने नंबर को मेंटेन रखने की The next one is the life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. जो एंडोपैरासाइड्स की लाइफ साइकिल होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन उनमें देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट तो बाहर है तो उनको कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन एंडो पैरासाइट्स को स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है क्योंकि उन्हें अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस से एंजाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है तो उनको अपने अंदर कुछ ऐसे मेकेानिज़म्स uh, इवॉल्व करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो अपने जनरेशन को सेव कर सके मेनटेन कर सके अपने आप को द वेरी स्पेशफिक कैरेक्टर ऑफ पैरासिटिज्म इज़ ब्रूट पैरासिटिज्म, ब्रूट पैरासिटिज्म जनरली बर्ड्स में देखने को मिलता है अगर यहाँ पे हम बात करें इन इंडिया तो यहाँ पे uh, कुकू और क्रो का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यानी कि कोयल और कौवे का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली जो कोयल होती है वो अपना घोसला खुद नहीं बनाती है और ये अपने अंडे को uh, दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में डाल देती है ठीक है जैसे कि कौए के नेस्ट में इसने अपना एग डाल दिया तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मतलब नॉर्मली सेम शेप एंड साइज का देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो क्रो होता है वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि ये मेरा एग नहीं है ये किसी और बर्ड का है और जिसकी वजह से वो उसको इजेक्ट नहीं कर पाता बाकी सब एग से और उसको भी फीडिंग करने लगता है और वो पूरा यंग वंस में जब तक प्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक वो उसको सर्व करता है और उसको यंग वन में प्रोड्यूस करवाता है तो इस तरह से कुकू अपना ब्रूड पैरासिटिज्म परफॉर्म करते हैं फॉस्टर पेरेंट ढूंढती हैं जैसे कि हम क्रो uh, को हम बोल सकते हैं कि क्रो एक तरह का फॉस्टर पेरेंट है तो इस तरह से ब्रूट पैरासिटिज्म एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल है पैरासिटिज्म का सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कॉमन सेलिजम एंड डिटेल वी अबाउट इट सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो अंटिल दैट स्टे स्टेन थैंक यू सो मच